आज हम कक्षा 9 का पाठ 3 गो दोहनम, गो मतलब गाय, दोहनम मतलब दुहना या दूध निकालना, तो गाय का दूध निकालना ये पाठ पढ़ने वाले हैं। ये पाठ एक नाटक के रूप में दिया गया है और इसको समझने के लिए एक छोटी दैनिक कार्य, जो हमारे रोज़ के कार्य हैं, अगर हम उनको रोज़ नहीं करते हैं तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, वो इस पाठ में हम समझेंगे। पाठ नाटक है और अलग अलग दृश्यों में इसको बांट रखा है, तो पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। प्रथम दृश्य, मल्लिका मोदकानी रचयंती मंद सवरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका, मोदकानी का अर्थ होगा मोदक, लड्डू, रचयंती मतलब बनाती हुई, मंद सवरेण कम आवाज में, धीमी आवाज में शिव स्तुतिम करोति, शिव भगवान की स्तुति उसका गान कर रही है। तत् प्रविशति, तब प्रवेश करता है, मोदक गंधम अनुभवम, मोदक उस लड्डू की गंध का अनुभव करके प्रसन्न मना खुश होकर चंदन, चंदन कौन है, मल्लिका का पति चंदन। अहा सुगंधस्तु मनोहर विलोक्य अये मोदकानी रचयन्ते, आकर क्या बोलता है चंदन कि अहो सुगंधस्तु मनोहर, सुगंध तो बहुत ही मनोहर है, बहुत ही अच्छी है, विलोक्य देखकर अये मोदकानी रचयन्ते, मोदक मतलब लड्डू, कह रहे लड्डू बनाए जा रहे हैं, प्रसन्ना भूतवा खुश होकर आस्वादयामि तावत, तो इनका स्वाद करना चाहिए, इनको चखना चाहिए, मोदकम गृहीतुम इच्छति, मोदक लड्डू लेने ही लगता है। मल्लिका सक्रोधेन, मल्लिका क्रोध के साथ बोली, वीरम वीरम रुको रुको, वीरम वीरम मतलब रुको रुको, माँ स्पर्श मत करो, एतानी मोदकानी इन लड्डुओं को, इन मोदक को। चंदन किमर्थम क्रुद्यसी, क्यों क्रोध कर रही हो, तव हस्त निर्मितानी मोदकानी दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम अशक्षम अस्मि, कि तुम्हारे हाथ से निर्मित, हाथ से बने हुए इन लड्डुओं को देखकर, दृष्ट्वा मतलब देखकर, मैं जिह्वा लोलुपता का अर्थ होगा जिह्वाम लोलुपताम मतलब जीभ का लालच, जीभ के लालच को नियंत्रितुम असक्षम, नियंत्रित करने में असक्षम हूँ, जीभ के लालच को नियंत्रित करने में असक्षम हूँ। किम ने जाना सी त्वम इदम, क्या तुम ये नहीं जानती, त्वम इदम मतलब, इदम मतलब यह, त्वम मतलब तुम, क्या तुम ये नहीं जानती। तब मल्लिका कहती हैं, सम्यक जानाति नाथ, कि स्वामी सम्यक जानामि, सम्यक मतलब अच्छी तरह से, जानामि मतलब जानती हूँ, परम एतानी मोदकानी पूजा निर्मितानी संति, परंतु ये मोदक पूजा निर्मितानी पूजा करने के लिए, पूजा के लिए बना रही हूँ। चंदन तरही शीघ्र में पूजनम संपाद्य, तरही मतलब तो शीघ्र ही पूजा करो, संपाद्य मतलब पूरा करो, पूजा का कार्य पूरा करो, प्रसादम चे देही और प्रसाद दो। तो मल्लिका कहती हैं, वो अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे अत्र मतलब यहाँ, पूजनम न भविष्यति पूजा नहीं होगी, अहम सम स्व सखी भी सह श्वे प्राते काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, कि मैं सब सखी भी अपनी सहेली के सह का अर्थ होगा साथ, सम सखी, सखी भी का में तृतीय विभक्ति लगी है क्योंकि यहाँ सह शब्द का प्रयोग हुआ है, के साथ श्वे मतलब आने वाला कल, कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रति गमिष्यामि जाऊँगी, तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राश्चे वयम करिष्यामि, वहाँ गंगा स्नान और धर्म यात्रा, चे को हम बीच में लेंगे कि वहाँ गंगा स्नान और धर्म यात्रा वयम करिष्यामि, हम सब करेंगे। तब चंदन कह रहा है, सखी भी सहे ने मया सहे, सखी के साथ, मेरे साथ नहीं, विषादम नाट्यति, विषाद होने का, रूठने का नाटक करता हुआ। तब मल्लिका कहती हैं, आम हाँ चंपा गोरी माया मोहिनी कपिला आद्या सर्वा गच्छन्ति, उन्होंने सभी सखियों के नाम बताए, चंपा गोरी माया मोहिनी और कपिला आदि सभी, सर्वा मतलब सभी गच्छन्ति जाते हैं, अते मया सहे
तवा गमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मया मतलब मेरे से मतलब साथ मेरे साथ त्वम आगत्य तवनाम गत्यम मतलब तुम्हारा आगमन औचित्य नास्ति उचित नहीं है ठीक नहीं है। वयम सप्तांते प्रत्यागमिष्यामि, मैं सप्ताह के अंत में जब सब यह सप्ताह खत्म होगा तो उसके अंत तक प्रत्यागमिष्यामि आ जाएंगे वापस आ जाऊँ हम आ जाएंगे। तावत तब तक गृहम व्यवस्था घर की व्यवस्था धेनु दुग्ध दोहनम व्यवस्थांच और गाय का दोहन करने की दूध दोहने की व्यवस्था का परिपालक अर्थ होगा का पालन करना चाहिए कि तुम्हें जब तक मैं वापस आती हूँ तब तक तुम घर का और गाय दोहने का कार्य करोगे। दूसरा दृश्य है चंदन, चंदन कह रहा अस्तु ठीक है गच जाओ सखी भी से धर्म यात्रा आनंदता च भव, सहेलियों के साथ धर्म यात्रा का आनंद हो। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि, मैं सभी कार्य का पालन करूँगा। शिवास्ते संतु पंथान, तुम्हारा पंथ है तुम्हारा जो मार्ग है वो शिवास्ते का अर्थ होगा कि शुभ हो अच्छा हो। चंदन मल्लिका तो धर्म यात्रा है गता, अब मल्लिका धर्म यात्रा के लिए चली गई हैं तो अब वो बोल रहे हैं कि मल्लिका तू धर्म यात्रा गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा करने गई अस्तु ठीक है दुग्ध दोहनम कृत्वा तत् स्वप्रात्राशस्य प्रबंधनम करिष्यामि, कि दूध दोहने का कार्य कृत्वा मतलब करके तत् मतलब उसके बाद स्वप्रात्राशत का अर्थ होगा सुबह के नाश्ते का प्रबंध करिष्यामि मतलब करता हूँ। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्रम हस्त नंदिनिया समीपम गच्छति, स्त्री वेश धारण करके दूध का पात्र हाथ में लेके नंदिनी के समीप जाता है, नंदिनी उनकी गाय का नाम है। तभी उमा का प्रवेश होता है, उमा गांव के सरपंच के पोती हैं, वो आकर चंदन से कहती है मातुलानी मातुलानी मामी मामी, मातुलानी मातुलानी का मतलब है मामी मामी। चंदन कहता है उमे अहम तो मातुल, कि उमा मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तो गंगा स्नानार्थम काशीं गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हैं। कथिये किम ते प्रियम करवाणी, कहो तुम्हारे लिए ते मतलब तुम्हारे लिए क्या प्रिय किया जाना चाहिए। तब उमा कहती हैं मातुल पितामह कथयति, कि मामा पितामह मतलब दादा, कि दादाजी कहते हैं मासा अनंतरम अस्मद गृह महोत्सव भविष्यति, कि महीने के अंत में हमारे घर में महोत्सव होगा। तत्र त्रिशत सेटक मितम दुग्धम प्रपेक्षते, वहाँ त्रिशत का अर्थ होगा 300, सेकट का सेकटम का अर्थ होगा लीटर, 300 लीटर दूध अपेक्षते मतलब चाहिए। ऐसा व्यवस्था भवद भी करणीया, इसकी व्यवस्था दूध की व्यवस्था भवद भी मतलब आपके द्वारा करणीया मतलब की जानी चाहिए। चंदन प्रसन्न मना प्रसन्न मनसा खुश होकर 300 सेटकम परिमितम दुग्धम 300 लीटर दूध शोभनम बहुत अच्छा दुग्धम व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एवं इति पितामहम प्रति तव्या वक्तव्यम, ऐसा अपने पितामह मतलब अपने दादाजी से तुम्हारे द्वारा कहा जाना चाहिए बोल देना चाहिए। उमा धन्यवाद मातुर याम अधुना सा निर्गता, धन्यवाद मामा अब मैं जाती हूँ सा निर्गता मैं निकल गई। अब तीसरा दृश्य चंदन प्रसन्नो भूतवा अंगुलिषु गणयन, खुश होकर उंगलियों पर गिनते हुए अहो सेटक त्रिशंत कानी पयांसी, अरे 300 सेटक का अर्थ बताया था मैंने लीटर, पयांसी मतलब दूध, अनेन तो बहु धनम प्राप्यसे, इससे तो बहुत अधिक धन प्राप्त हो जाएगा। नंदनी दृष्टवा, नंदिनी जो उसकी गाय का नाम है उसे देखकर भो नंदिनी तव कृपा तो अहम धनिकम धनिकः भविष्यामि, कि अरे नंदिनी तुम्हारी कृपा से तो मैं अत्यधिक धनवान हो जाऊंगा।
प्रसन्न से धेनु बहु सेवां करोति। खुश होकर वे उस धेनु की, उस गाय की बहुत अधिक सेवा करता है। चंदन चिंतयति, सोचता है, मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति। महीने के अंत में दूध की आवश्यकता होती है, होगी। यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धं सुरक्षितं न तिष्ठति। यदि हर रोज, प्रतिदिन मतलब हर रोज दोहनं करोमि, दूध दोहूंगा, दूध निकालूंगा, तर्हि तो दुग्धं सुरक्षितं न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं रहता है। इदानीं किं करवाणि, तो अब क्या करना चाहिए। भवतु ना मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनं करोमि। भवतु नाम कि ठीक है, महीने के अंत में पूरे दूध का दोहन करता हूँ, मतलब पूरा दूध महीने के अंत में ही निकालता हूँ। एवं क्रमेण सप्ताह दिनानि व्यतीतानि, इस क्रम में, इस प्रकार सप्ताह के 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं। सप्ताह अंते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका, जो चंदन की वाइफ होती है, जो पत्नी होती है चंदन की, वह भी वापस आ जाती है। मल्लिका प्रविश्य स्वामिन प्रत्यागता अहम आस्वाद्याय प्रसादम, कि प्रवेश करके स्वामिन की, हे स्वामी, प्रत्यागता अहम, मैं लौट आई हूँ, आस्वाद्याय स्वाद कीजिए, प्रसादम मतलब प्रसाद का, प्रसाद को चखिए। चंदनम मोदकानी खादती वदती चे, चंदन लड्डू को खाता है और कहता है, चंदन मल्लिके तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, कि हे मल्लिका तुम्हारी यात्रा तो सफल, सम्यक मतलब अच्छी तरह से सफला जाता, सफल हो गई। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेद्यामि, काशी विश्वनाथ के की कृपा से प्रियम निवेद्यामि, कुछ अच्छा, कुछ प्रिय कहना चाहता हूँ। मल्लिका कह रही है साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, एवं ही आश्चर्य के साथ वो ये शब्द बोली, ही धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियत्रम किम, कि धर्म यात्रा के अलावा, जो उसने यात्रा की थी तो उस यात्रा के अलावा और प्रिय क्या हो सकता है। चंदन कह रहा है ग्राम प्रमुखस्य गृह महोत्सव समासांते भविष्यति। क्या कह रहा है चंदन, कि ग्राम प्रमुखस्य, गांव के प्रमुख के घर में महोत्सव मास के, महीने के अंत में होगा। तत्र त्रिशत सेटकम इतम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, कि वहाँ 300 लीटर दूध हमारे द्वारा देना चाहिए। मल्लिका किंतु एताव मात्रम दुग्धम कुते प्राप्स्याम, परंतु इतना दूध हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। तब चंदन बोला विचारिये मल्लिके, विचार करो मल्लिका, प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामि चेत् तत् सुरक्षितं न तिष्ठति, कि हर रोज दोहन करके, गाय का दूध निकाल के दूध को अगर हम रखेंगे, चेत् तत् सुरक्षितं न तिष्ठति, तो वह सुरक्षित नहीं रहता है। अतएव दुग्ध दोहनं न क्रियते, इसलिए हमें दूध नहीं दोहना चाहिए। उत्सव दिने एव समग्रं दुग्धं दोक्ष्याव, उत्सव के दिन ही हमें समग्र का अर्थ होगा संपूर्ण दुग्धम द्रक्षा, दूध को निकाल लेना चाहिए। तब मल्लिका बोली स्वामिन त्वं तो चतुर्तम, कि तुम तो बहुत चतुर हो, अत्युत्तम विचार, बहुत ही उत्तम आपका विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिनिया सेवाया सेवाम एव करिष्याम, कि अब दूध दोहन का को छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर, केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिक दुग्धम मासांते प्राप्स्याव, इससे अधिक से अधिक दूध हम मास के अंत में प्राप्त कर लेंगे। द्वावेव धेनो सेवा सेवायाम निरतो भवत, दोनों ही गाय की सेवा में निरत हो जाते हैं, लग जाते हैं। अस्मिन क्रम में घासादिकम गुड़ादिकम चे भोज्यत, इसी क्रम में वह उसे घास और गुड़ आदि भोजन में देते हैं उस गाय के लोग को। कदाचित विषाणयो तेलनम, कभी उसके विषाण का अर्थ होगा सिंह, कभी उसके सिंह पर तेलम लेपियत तेल लगाते हैं, तिलकम धारत कभी तिलक लगाते हैं, रात्रो निराजने नापि तोषे, और रात्रि में भी उसको अकेला नहीं छोड़ते हैं। चंदन मल्लिके आगच कुंभकारम प्रति चलिया दुग्ध
चंदनार्थम पात्र प्रबंधनो अपि करणीय। चंदन बोल रहे हैं कि मल्लिके किहे मल्लिका आगच आओ कुंभकारम प्रति, कुंभार जो घड़ा बनाने वाला है उसके ओर प्रति चलाओ कि उसके वहाँ चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधनो अपि करणीय, जो दूध के पात्र का प्रबंध भी हमें करना चाहिए। द्वावेव निर्गतो, दोनों ही निकल जाते हैं।